द्वारा वी आर इन नीड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स एज कंपेयर्ड टू मोर स्कॉलर्स वी हैव टू वर्क राइट फ्रॉम नाउ टू रिलीज दीज थ्री ऑब्जेक्टिव्स एंड सो वी नीड टुडे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्किल्ड टेक्नीशियंस. इट इज माय सिंसियर व्यू दैट अवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शुड नाउ स्टार्ट लेइंग मोर एम्फोसिस ऑन टेक्निकल स्किल. इफ दिस इज डन मच ऑफ द इम्बैलेंस इन एजुकेशनल सिस्टम वुड डिसअपियर. देयर शुड बी अरेंजमेंट्स इन यूनिवर्सिटीज फॉर एवरी काइंड ऑफ रिसर्च एंड प्रैक्टिकली देयर शुड बी अरेंजमेंट्स फॉर दैट टाइप ऑफ रिसर्च विच इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ द रीजन इन विच दैट यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड. अवर यूनिवर्सिटीज हैव नॉट सो फार एज्यूम्ड दिस रोल इन अवर लाइव्स बट आई एम कन्विंस्ड दे कैनॉट सक्सीड एंड कैनॉट बी यूजफुल फॉर अवर पीपल विदाउट डूइंग सो. प्यारा डियर फ्रेंड आई एम ग्लैड यू आस्क्ड मी टू एडवाइस अबाउट द ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट एंड आई विल ग्लैडली गिव यू ऑल द हेल्प आई कैन. प्यारा आई अंडरस्टैंड दैट यू आर नाउ पेड मंथली बाय चेक एंड दैट यू आर वंडरिंग हाउ टू डील विद इट. व्हेन यू अप्रोच द मैनेजर ऑफ द बैंक ही विल इन्फॉर्म यू दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ अकाउंट्स नेमली अ डिपॉजिट एंड अ करंट अकाउंट. द डिपॉजिट अकाउंट इज फॉर द पर्सन हू वॉन्ट्स टू सेव. ही पेज हिज मनी इन टू द बैंक एंड लीव इट देयर एज लॉन्ग एज ही कैन एंड रिसीव्स इंटरेस्ट फॉर डूइंग सो. द करंट अकाउंट इज क्वाइट डिफरंट. इट इज यूज्ड बाय दोज हू हैव अ सम ऑफ मनी इन हैंड बट हू नो दैट दे विल हैव टू पे आउट एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ दिस सम. सिंस द सम इन द करंट अकाउंट इज इंटेंडेड टू बी ड्रॉन एट एनी मोमेंट एंड इट कैनॉट बी यूज्ड बाय द बैंक फॉर एनी अदर पर्पज, द बैंक जनरली अलाउज लेस इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट दैन ऑन डिपॉजिट अकाउंट. पैरा यू विल फाइंड दैट मेकिंग युअर पेमेंट्स बाय चेक विल बी सफर एंड चीपर दैन अदर मेथड्स बट फॉर स्मॉल अकाउंट्स ऑफ अ फ्यू रुपीज यू कूड स्टील यूज पोस्टल ऑर्डर्स. द चेक प्लेज एन इम्पॉर्टंट पार्ट इन बिजनेस टुडे. इट वुड बी डिफिकल्ट टू पे मनी बाय पोस्ट. प्लीज गिव युअर फैमिली माय काइंड रिगार्ड्स. युअर्स फेथफुली. पैरा ऑल एजुकेशनलिस्ट टुडे आर कंसर्न्ड एट द प्रेजेंट लैक ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन द एजुकेशनल सिस्टम एंड द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी. द प्रॉब्लम हैज एज्यूम्ड ग्रेट प्रपोर्शंस टुडे बट इट्स ओरिजिन मस्ट बी ट्रेस्ड टू द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया. पैरा विन द मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज डिवाइज्ड फॉर द कंट्री सफिशियंट अटेंशन वॉज नॉट पेड टू अवर नीड्स एंड आइडियल्स. देयर वॉज नो नेशनल गवर्नमेंट एंड हेंस द सिस्टम ऑफ एजुकेशन
that was built up looked more to the needs of the government than to the needs of the people of the country. Though the East India Company, on becoming the rulers of the country, accepted the need of providing education in modern sciences, the main need of the company was to train up a number of English educated persons who could help in carrying on the administration of the country. Education was therefore organized to ensure the supply of an adequate number of English educated Indians, and the attention of the government was concentrated on providing higher education needed for the training of such persons. Since, however, it is impossible to have students at a higher stage unless they have gone through the stages of elementary and secondary education, the company made some provision for education at these stages as well. Para, so long as the number of persons educated in English was not larger than that required by the government, there was no problem of the educated unemployment situation continued till the beginning of the 20th century. An English educated Indian was then almost sure of a job, but already a situation was developing when the supply of Indians with university education was becoming larger and larger than the demand. Government service could not absorb all educated Indians, nor had there been any development of commerce and industry which could profitably use such persons. Para, in the last few years, this problem had steadily become more acute. We therefore find a growing volume of criticism against the existing system of education. If the result of education is to create a situation where society is not able to utilize the services of the educated, there is really some defect which must be remedied.